गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में इंटरनेट बिलखुसूस मोबाइल डाटा पर फायरवॉल की तंसीब के लिए किए जाने वाले तजुर्बात की वजह से जहां पर आम मोबाइल सार्फीन मुतासर हो रहे हैं, वहीं ऑनलाइन कारोबार करने वाले और फ्रीलांसर्स भी मुतासर हो रहे हैं। फायरवॉल अगरचे सोशल मीडिया एप्स को मॉनिटर करने के लिए लगाई जा रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पर मॉनिटरिंग के बजाय इंटरनेट सर्विस की रफ्तार इस हद तक सुस्त रवि का शिकार है कि हर दूसरा सार्फ इसकी शिकायत करता नजर आता है। पाकिस्तान में एक तरफ जहां हुकूमती सतह पर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, सरकारी अदारों की रजिस्ट्रेशन, ईद फातर के क्याम के साथ नौजवानों को डिजिटलाइजेशन के फवायद से बहरवर करने के लिए किस्तों पर मोबाइल फोन देने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ फायरवॉल की तंसीब से डिजिटल कारोबार और इससे वाबस्ता अफराद को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली रिसेंटली पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, उसमें मेरे जैसे काफी फ्रीलांसर के फाइवर प्रोफाइल काफी बुरी तरह मुतासर हुई है, और फाइवर ने हमारे जितने भी गिग्स थी पाकिस्तानियों की या तो करंटली अनअवेलेबल लगा दी या रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अगर कोई अवेलेबल होती भी है तो क्लाइंट को साथ हमने एक नोटिस दी है कि अगर आप इस एरिया में ऑर्डर करते हो पाकिस्तान में स्पेशली, तो आपकी डिलीवरी डिले हो सकती है। तो अभी इंटरनेट ना होने की वजह से हम तो ना तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं टाइमली, ना ही उनको टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं, और ना ही हम एज अ वीडियो एडिटर में मुख्तलिफ चीजें इंटरनेट से डाउनलोड करके वीडियो बनाता हूँ, मेरे जितने भी एडिटर सब ऐसे ही करते हैं, तो उसके ना होने की वजह से हम ना तो वीडियो टाइम पे कम्प्लीट कर पाते हैं। इवन व्हाट्सएप नहीं चलता कि बंदा किसी को कोई व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करे या डाउनलोड कर सके। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में रखते हैं, इवन मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया के इन पहले 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिनमें सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स पाए जाते हैं। ये फ्रीलांसर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करके जर मुबादला मुल्क में लाते हैं। जुमेरात को मुस्लिम लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने दावा किया है कि हालिया इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रवि की वजह से मुल्क को 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। मैं फाइवर पे टॉप रेटेड हूं और मेरी की जो गिग्स थी वो फर्स्ट पेज थी मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे। अब हालिया जो इंटरनेट की बंदिश हुई है उसकी वजह से मेरे जितने भी गिग्स थे वो फर्स्ट से सेकंड पेज में, थर्ड पेज में मोर देन 6 ऑर्डर इस वजह से कैंसिल हुए लेट डिलीवरी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे $1000 लॉस हो रहा है। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा मेरे जैसे फ्रीलांसर बल्कि ई कॉमर्स वाले या डिजिटल मुस्लिम जितने भी लोग हैं सब मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क काबीना को भिजवाया है, जिसकी मंजूरी के बाद नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, एमओ, वाइबर समेत मुख्तलिफ फोरम्स को लाइसेंस और ऑथोराइजेशन लेना होगी। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट किया जाएगा। डिजिटल मीडिया सर्विसेज को भी पीटीए और पैमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे, जबकि कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज और मीडिया सर्विसेज की अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगी। एप्लीकेशन सर्विसेज में फेसबुक, एक्स, ई सर्विसेज, ई कॉमर्स, गेमिंग और लिंक्डइन जैसी सर्विसेज शामिल होंगी। नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और VOD जैसे फोरम्स भी रेगुलेट और मॉनिटर किए जाएंगे। फ्रेमवर्क की मंजूरी की सूरत में तमाम प्लेटफॉर्म्स को 12 माह के अंदर मुतलका अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस हासिल करना होगा। जुमेरात को ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी में जेर बहस आया, जहां अराकीन सेनेट ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम को 2 हफ्तों में मसला हल करने की हदायत जारी की है। दूसरी जानिब शेजा फातिमा ने कहा है कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों और पीटीए से इंटरनेट के मुतालिक तलब की है। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। शदा फातिमा का मजीद कहना था कि जल्द आगाह करेंगे कि अब तक कितने साइबर हमले हो चुके हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए urdunews.com।